कहाँ जाने वाले हो आप? से कहाँ से दौरा शुरू हो गया? मेरा नाम आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के छोटे से गांव नाडाराम से और मैं एक मजदूर फैमिली से। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ और पर्वतारोहण में मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होता हूँ। अब साथ ही मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा करी हूँ 20,000 किलोमीटर की। ये यात्रा मेरी मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के दिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू हुई थी और 11 महीने बाद दिल्ली में खत्म होगी। साथ ही मेरी यात्रा का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के पर्यटन के ऐतिहासिक स्थलों का प्रचार प्रसार करना। साथ ही भारतवर्ष में महिला सुरक्षा को लेकर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत बार सुना है कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो मैं अकेले भारत यात्रा करके ये मैसेज देना चाहती हूँ कि भारत के किसी भी राज्य में किसी भी कोने में महिलाएं सुरक्षित हैं। क्योंकि मैं भारत यात्रा अकेले कर रही हूँ तो मुझे एमपी से गुजरात, गुजरात से आज महाराष्ट्र हूँ, लेकिन मेरी सुरक्षा का प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है। उस शासन प्रशासन हर कोई मेरी हेल्प करता है। तो महिला सुरक्षा को तो मतलब जो मैसेज है अदर कंट्री में कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो मेरा उनके लिए मैसेज है कि भारत में महिलाएं हर जगह सुरक्षित है। भारतातल्या महिला सुरक्षित नाहीत असा विदेशामध्ये प्रचार होतो आणि हा प्रचार कुठेतरी चुकीचा आहे हे सांगण्याचे मॅडम आता प्रयत्न करत आहेत। आज आपला मोनोलमध्ये यांचं स्वागत आहे। महाराष्ट्र आणि पालघर टुरिझम डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने आम्ही आपलं तुमचं स्वागत करत आहोत आणि अशा पद्धतीचा आज संदेश आमच्या बातमीच्या माध्यमातून आम्ही देणार आहोत। काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। जैसे मैं अकेले 20,000 किलोमीटर की यात्रा करी और आज की जनरेशन में एक युवा पीढ़ी में विचार आता है मन में कि एक छोटी समस्या के सामने जो युवा है वो सोसाइटी तक का कदम उठा लेते। मेरा उनके लिए ये मैसेज है कि आप समस्या से लड़िए और समस्या का सामना कीजिए। जैसे मैं अकेले पूरे भारत यात्रा करी तो मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कि मुझे कल रुकना कहाँ है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं पता होता है। मुझे ये पता होता है कि मुझे वहाँ जाना है, सारा अरेंज करना, सारी मतलब सारी समस्या का सामना भी खुद से अकेले करना है और वहाँ रुकना भी, मतलब मुझे सारी समस्या का सामना करके आगे बढ़ना। जो समस्या का सामना करता आगे वही बढ़ता है। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी महाराष्ट्र टूरिज्म का कि वो मुझसे मिलने आए, उसके लिए मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। मध्य प्रदेश की तरफ से भी मैं धन्यवाद करती हूँ।